मैं जीओ पी एस पी एफ के जेर इंतमाम इस तकरीब में डी एस पी सर्कल सफदराबाद जनाब गुलाम मुस्तफा किदारी साहब को भी दिल की अथाक रहने से खुश आमदीद कहता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे मुकामी एस एच ओ मैदी असी साहब जिन्होंने जराइम पेशा अफराद पर अपनी गिरफ्त को इंतहाई मजबूत रखा है, मैं उनको भी इस फोरम पर खुश आमदीद कहता हूँ। अब बिला तखीर इस प्रोग्राम के रूह रवान जिनको सुनने के लिए आप सब दो जो है वो गुज़िश्ता दो तीन घंटों से बैठे हुए हैं, मैं आप उनको दावत देने जा रहा हूँ। हमारे कायद, हमारी टीम के हकीकी कप्तान, कैदाना सलाहियतों के मालिक, हर मुश्किल घड़ी में मुखालफों के सामने शीशा बनाई हुई दीवार बने हुए हमें नजर आए हैं, साफ सुथरी और बाकरदार शख्सियत के मालिक हैं जिन पर कोई भी शख्स हत्ता के इनके दुश्मन जो है वो उनके किरदार पे उंगली नहीं उठा सकते। मैं उस शख्सियत को दावा देने जा रहा हूँ जिनके लिए मैं सिर्फ आप सब सहाफ़ियों की तरफ से एक शेर जो है वो इनकी नज़र करना चाह रहा हूँ। शबाज़ अहमद खान साहब, पत्थर है तेरे हाथ में या कोई फूल है, जब तू कबूल है तेरा सब कुछ कबूल है। आप सब की तालियों में शबाज़ अहमद खान साहब भरपूर इस्तकबाल फरमाएंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने कायद का भरपूर तरीके से इस्तकबाल करें। आप तमाम दोस्तों ने, मैं समझता हूं कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, ये सब रब्बुल इज्जत की करम नवाजी, आप तमाम दोस्तों की मोहब्बत और प्यार है जो आप दोस्तों ने मेरे बारे में कहा। मैं शायद इस काबिल नहीं, अपनी तरफ से ईमानदारी से आप दोस्तों के लिए थोड़ी बहुत कोशिश ज़रूर करता हूँ। आज की तकरीब के हवाले से जियो प्रेस क्लब खानका डोगरा के प्रेसिडेंट मियां इमरान साबिर डोगर साहब, जनरल सेक्रेटरी मजहर शराजी साहब, उनकी पूरी टीम को और बिलखसूस तमाम डिस्ट्रिक्ट से आए हुए जर्नलिस्ट दोस्तों का बेहद तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज की तकरीब में वो तशरीफ लाए। और आज की तकरीब के जो मेहमान खसूसी हैं डीपीओ शकूपुरा सरफराज खान बिरक्सा, जो आपनी इंतहाई बेहद मसरूफियत में से जिन्होंने टाइम निकाला और हमारे दोस्तों के दरमियान वो मौजूद हैं, उनके भी हम तहे दिल से मशकूर हैं। मैं टाइम तो मेरा था कि शायद डीपीओ साहब के बाद मुझे मौका मिले तो मैं दिल की बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन टाइम की किल्लत के बाद दोस्तों ने मुझे पहले चांस दे दिया। तो मुख्तसर सिर्फ दोस्तों से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तमाम दोस्तों ने ये जो लाओ लश्कर तैयार किया है, एक दूसरे की मोहब्बत, रवादारी और प्यार का सिलसिला शुरू किया है, खुदा इसको जारी रखें और इसी में हमेशा कामयाबी है। मैंने हमेशा अल्लाह पाक ने क्यों कामयाबी दी कि मैंने हमेशा अपनी जात की नफी करके, हमेशा अपना जाती मफाद को छोड़ के, हमेशा अपने दोस्तों के मफादात को मद्देनजर रख के कोशिश की और तवक्कल अल्लाह होकर कोशिश की और उसका नतीजा कि आप दोस्तों को हमेशा अल्लाह ने कामयाबी दी। तो बड़ी खुश आयन बात है कि चार प्रेस क्लब होने के बावजूद आज तमाम प्रेस क्लबों के दोस्त जो हैं एक ही छतरी के नीचे, एक ही प्लेटफॉर्म में इस तकरीब में बैठे हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह पाक इसको हमेशा जो दोस्तों में इसी तरह इत्तेफाक मोहब्बत को कायम रखे। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे डीपीओ शकूपुरा सरफराज खान मिरक साहब का जिक्र ना किया जाए तो ये बहुत ज्यादती होगी। मेरे अपने आप तमाम दोस्तों को पता है कि मेरे अपने घर में इनके आने से पहले डकैती हुई थी। ये वो मर्द मुजाहिद हैं, क्राइम फाइटर हैं, जिन्होंने बिला तफरीक मेरे बगैर इनको कहे हुए इन्होंने दिन रात कोशिश की और विद इन वन मंथ इन्होंने मेरे डाकू भी पकड़े और मुझे रिकवरी भी दिलवाई।
जिन्होंने कभी मेरा इनके साथ दिल्ली का वास्ता रहता है, अमूमन मेरी पुलिस के साथ आप तमाम दोस्तों को पता है कि नहीं बनती, लेकिन जो चीज मैंने इनके अंदर देखी कि इन्होंने हमेशा मैरिट, बिल्कुल मैरिट करने की कोशिश की है। मैंने इनको नहीं देखा कि कोई बंदा क्रिमिनल है तो उसके पीछे आपको पता है कि सियासी और बहुत सारी ताकतें होती हैं, लेकिन इन्होंने उसको स्पेयर किया। और आज तक शुबे की तारीख में कम से कम शोभा सहाबत से वाबस्ता मुझे 98 से मैं वाबस्ता हूँ। मैंने किसी डीपीओ को आज तक रिकवरियां देते हुए नहीं देखा कि जिन लोगों के साथ डकैतियां हुई हों, जिन लोगों के नुकसान हुए हों, तो उन्हें डीपीओ शकुपरा जो है उनकी रकमें लूटी हुई 40-40 लाख 30-30 लाख रुपया वापस करे। हमने शकुपरा में डीपीओ सरफराज खान विरक साहब को देखा है रकमियां वापस करते हुए। मैं समझता हूं यही उनकी दयानतदारी का, ईमानदारी का मुंह बोलता सबूत है। तो मैं तहे दिल से अपने तमाम दोस्तों की तरफ से और ये जो सफदराबाद वाला दोस्तों के साथ थोड़ी बदतमीजी हुई उस पे डीपीओ साहब ने, हमने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने सख्त एक्शन लेते हुए मेरिट पे डिसीजन किया, किसी का कभी उन्होंने दबाव नहीं लिया, उन्होंने उसको डेरोगेट किया। डेरोगेट करने के बाद हम तमाम दोस्तों के साथ उन्होंने इंसाफ किया, उसके लिए भी हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। और आखिर में मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आप दोस्तों ने इतनी ज़्यादा इज्जत अफजाई की। जो आपकी तरफ से तंजीम साजी का जो आपकी तरफ से मुझे एक तजवीज़ आई है, उस तजवीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि अभी इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला हमारा जारी रहना है, डिस्ट्रिक्ट के बाकी स्टेशनों पे जा के वर्क होना है। इसके लिए एक बाकायदा कमेटी बना ली जाएगी, उस कमेटी में हम तमाम दोस्त मिल बैठ के, क्योंकि मैंने कभी भी दोस्तों पे आपको पता है कि मसलत नहीं की कोई चीज़, आपकी मशावरत से एक पॉजिटिव काम करेंगे और इंशाल्लाह वो सिलसिला जो है उसके साथ आपका लाहौर लिसन, लाहौर सदर प्रेस क्लब, इस्लामाबाद सदर प्रेस क्लब और कराची सदर प्रेस क्लब भी अटैच होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।